अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी मोहब्बत को अपने प्यार में दीवाना करने का ये वजीफा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वजीफे को करने का सही तरीका। अगर आपने इसे सही तरीके से कर दिया तो आपकी मोहब्बत आपके प्यार में पड़ जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो भी आपसे सच्चा प्यार करने लग जाए, आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए, तो आप इस वजीफे को कर सकते हैं। वजीफा बेहद आसान है। मौलाना जी का ये वजीफा कई लोगों ने आजमाया और उन्हें भी उनकी जिंदगी में मोहब्बत हासिल हुई। तो इस तरह से आप भी अगर अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो इसे कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा शहद और दो लौंग। सबसे पहले आपको लौंग लेनी है और उसके बाद उसको दम करना है उसके ऊपर, और उसके बाद उसे शहद में डाल देना है। तो आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप किसी भी दिन में इसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे शाम के समय करना है, सोने से पहले, जब भी आपका सोने का टाइम हो उससे थोड़ी देर पहले आप इसे कर सकते हैं। तो आप दो लौंग ले लीजिए जो कि आपको आराम से आपके किचन में मिल जाएगी, और उसके बाद आपको उसके ऊपर बोलना है या वदीदू, आपको बोलना है या वदूदू, और या वदूदू बोलकर आपको लौंग के ऊपर दम कर देना है। या वदूदू आपको बोलना है सिर्फ 11 मरतबा। 11 मरतबा जब आप या वदूदू बोलेंगे उसके बाद आपको अपनी मोहब्बत का तसव्वुर करना है, यानी कि मोहब्बत के बारे में सोचना है अपने मन में। उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है, वो आपको अपनी आंखों के सामने लेकर आनी है। आपको वो सारा समय सोचना है जो आपने अपनी मोहब्बत के साथ बिताया है, और उसके बाद बहुत ही ज्यादा अच्छे मन से, यानी कि उनकी यादों में जाकर आपको इस तरह से या वदूदू बोलना है 11 मरतबा। 11 मरतबा बोलने के बाद आपको लौंग के ऊपर दम कर देना है, और लौंग को फिर आपको शहद में डिप कर देना है। तो शहद आप एक छोटी कटोरी में या बर्तन में ले सकते हैं, उसमें आपको शहद लेना है 1 चम्मच, और उसके बाद ये लौंग उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाना है, और जब आप सुबह उठेंगे तो आपको लौंग को शहद में से अलग निकाल लेना है और उसे आपको 1 गिलास पानी के अंदर डाल देना है। और जब इस पानी के अंदर आप लौंग को डालेंगे तो जो भी उसके ऊपर शहद लगा हुआ है वो पानी के अंदर घुल जाएगा। अब आपको ये पानी अपनी मोहब्बत को पिला देना है। अगर आपकी बीवी है, आपकी कोई प्रेमिका है, या फिर आपके शौहर हैं, या आपका कोई प्रेमी है, आप किसी को भी इसके द्वारा अपने वश में कर सकते हैं और वो हमेशा हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। अगर आप उनको ये पानी नहीं पिला सकते किसी वजह से, अगर आपसे वो बहुत दूर है, आपसे रूठे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि इस पानी को आपको अपने घर से बाहर लेकर जाना है। किसी बॉटल में इसे डाल दीजिए और उसके बाद अपने साथ बाहर ले जाइए, और बाहर जाकर आपको क्या करना है, किसी भी सुनसान जगह पर जाकर जहां पर की गंदगी ना हो, साफ जगह हो, वहां पर जाकर आपको ये पानी वहां पर गिरा देना है। और जो इसके अंदर लौंग पड़ी हुई थी वो आपको उसका कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसको आपको एक कागज के अंदर फोल्ड करके रख लेना है। इसे आपको ऐसी जगह पर रखना है जहां पर किसी की भी नजर इस पर ना पड़े, और इस लौंग को आपको वहां पर छुपा कर रख देना है। जब आपकी मोहब्बत आपके पास आ जाएगी उसके बाद आपको ये लौंग कूट कर उन्हें किसी चीज में खिला देनी है। कोई भी मीठी चीज में डालकर आप खिला सकते हैं, कोई नमकीन चीज हो उसमें भी डालकर खिला सकते हैं। बस आपको इस लौंग को कूटना है और उसके बाद अपनी मोहब्बत को खिला देना है। इस तरह से आपकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी और आपके प्यार में वो इतना ज्यादा पड़ जाएंगी, आपके प्यार में दीवानी हो जाएंगी कि आप उनसे जो भी कहेंगे वो करने के लिए राजी हो जाएंगी। तो आप इसे कीजिए। और अगर आपका कोई और सवाल है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। शब्बा खैर।